नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। मरांगबुरु को वापस करने और प्रखंडवार नियोजन नीति बनाने की मांग को लेकर एक बार फिर पूर्व सांसद सालखन मुर्मू ने आवाज बुलंद कर दिया है। सांसद सालखन मुर्मू ने कहा है कि जिस तरह से पारसनाथ मामले को लेकर झारखंड के आदिवासियों के साथ झरने का काम किया गया है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मरांगबुरु हमारे भगवान हैं और हम अपनी आस्था और भगवान के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेंगे, उन्होंने कहा है। इस मामले को लेकर 11 फरवरी को झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ और ओडिशा सभी राज्यों में एक दिवसीय रेल रोको चक्का जाम कार्यक्रम किया जाएगा। अगर इसके बाद भी सरकार इनकी मांगों पर ध्यान नहीं देती है तो फिर 11 अप्रैल से उग्र आंदोलन देश भर में देखने को मिलेगी। इतना ही नहीं, पूर्व सांसद सालखन मुर्मू ने बाबरी मस्जिद राम मंदिर की याद दिलाते हुए कहा है कि जिस तरह से राम मंदिर आंदोलन देश भर में चला था, उसी तरह आंदोलन इस बार भी चलेगा। और इतना ही नहीं, हम आदिवासी पारसनाथ में जैन मंदिर पर भी अपनी आक्रोश निकालने के लिए मजबूर हो जाएंगे। सब पार्टी को मौका मिला सरकार बनाने का, किसी ने ना स्थानीयता नीति बनाया ठीक, ना आरक्षण नीति लागू किया, ना नियोजन नीति को लागू किया। और ये जो हेमंत सोरेन की सरकार है, इसका तो सारा चीज फूस हो जा रहा है। जो भी चीज बनाते हैं इसको हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट खारिज करता है और एक प्रकार से 1932 का झुनझुना घुमा घुमा के लोगों को दिग्भ्रमित करना, छलावा करना, झुनझुना थमाने का काम कर रहे हैं। आज के खबर कागजों में आया है दीपक प्रकाश जी का न्यूज, जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और माननीय सांसद भी हैं। उन्होंने लिखा है कि हेमंत सोरेन सरकार को अविलंब नियोजन नीति लाना चाहिए। मांग सही है, लेकिन हमारी मांग है, अरे उसके पास तो नीति ही नहीं है, वो बना ही नहीं पाएगा। वो खुद बोलता है हम लोग को बोका मत समझो। कहने का मतलब, बोका ही आदमी का ना नीति नहीं लागू होगा। तो ऐसी हालात में बीजेपी एक बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, देश में सरकार है, उसको एक संविधान सम्मत नियोजन नीति लाना चाहिए। तो मुझे लगता है ना बीजेपी के पास नीति है, ना कांग्रेस के पास, ना JMM, ना आज सुना और कोई पार्टी के पास। ऐसी स्थिति में आदिवासी संगल अभियान प्रखंडवार नियोजन नीति का प्ररूप प्रस्तुत करती है। इसका मतलब ये है, झारखंड सरकार के पास जितनी भी सरकारी या गैर सरकारी नौकरियां हैं, उसका 90% हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों को आवंटित किया जाए, अर्थात ग्राम पंचायतों को, और उस आवंटित नौकरियों का भाग प्रखंडवार कोटा बना दिया जाए। अब प्रखंड के कोटाओं को उसी प्रखंड के आवेदकों से भरा जाए और उस प्रखंड में जो जातियों की आबादी का अनुपात होगा, ST SC OBC आदि, उस हिसाब से उस प्रखंड के कोटा को बांट दिया जाए। तो ये मामला 2-3 महीना में हल हो जाएगा। ये जो 22 साल में जो पेंडिंग पड़ा हुआ है नौकरी, ये लोगों तक पहुंच जाएगा। अन्यथा यदि कोई ऐसी नियोजन नीति पास होगी, फिर नियोजन सेंट्रलाइज होगा रांची से, तो खूब घूसखोरी और भ्रष्टाचार चलेगा। ये प्रखंड के लोगों को, आदिवासी मूलवासी, किसी को नौकरी नहीं मिलना है या एक दो मिलना है। तो इसको लागू किया जाए, इस पर हम पॉलिटिकल पार्टीज, बुद्धिजीवी, नौजवान, विभिन्न संगठनों से भी आग्रह करेंगे कि प्रखंडवार नियोजन नीति को लागू करने पर चर्चा हो, आंदोलन हो, इसको लागू कराया जाए।